पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत एक ऐसा देश है जहां हर उम्र, हर समाज, हर जाति के लोगों को बराबर का दर्जा दिया गया है। देश के उद्धार के लिए युवा सोच व युवा जज्बे का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक युवा है मुरादाबाद की ग्राम पंचायत खरकपुर बाजे के वरिष्ठ पत्रकार वीरवान हंसे के पुत्र अंकुश कठेरिया, जिन्होंने अपनी शिक्षा भले ही गांव से बाहर प्राप्त की, लेकिन अपने गांव के लिए प्रेम आज भी उनके दिल में है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी अपने गांव के लिए कुछ करने का जज्बा जो उनके दिल में है वो काबिले तारीफ है। अपने गांव के विकास के लिए अंकुश ने अपनी पत्नी दरकक्षा कठेरिया को प्रधान पद का दावेदार बनाया है और गांव के निवासियों से अपील की है कि युवा सोच को आगे बढ़ाएं और गांव को विकास की ओर आगे बढ़ाएं ताकि गांव का नाम आदर्श गांव में आए। अंकुश के गांव के बच्चों के लिए निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने के साथ गांव में स्टेडियम निर्माण की भी बात कही है। आप खुद ही सुन लीजिए दरकक्षा कठेरिया के पति अंकुश कठेरिया के वादे। नाम अंकुश कठेरिया है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो कार है, ठीक है। और सबसे पहले आपके जो दर्शक है उनके लिए मेरे हाथ जोड़ के नमस्ते और मेरे सारे ग्रामवासियों को नमस्ते, ठीक। तो क्या क्या चुनावी मुद्दे आपने इस प्रधानमंत्री चुनाव में सोचे हैं कि जो जनता के सामने आप रखेंगे? हाँ, तो मैंने चुनावी मुद्दों में एक अपना शपथ पत्र करके एक घोषणा पत्र होता है, एक शपथ पत्र होता है, वो मैंने बनवाया है और सारे गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करा रहा हूँ। और मेरे जो मेन मुद्दा है वो है साफ सफाई। गाँव में अगर आप घूमोगे तो नालियों की बहुत अभाव है, तो मैंने एक टाइमलाइन भी दी है कि 6 महीने में सारी नालियाँ पक्की कर दूंगा, 2 साल में मैं गाँव के रोड सब पक्के कर दूंगा जो कि बहुत बुरी स्थिति में है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है, क्योंकि यहाँ पे जो मुरादाबाद का जो करूला वाला जो नाला है वो हमारे गांव के बराबर से निकलता है, जिसमें सारे बहुत केमिकल, बहुत फैक्ट्रियों के केमिकल, जिसके कारण के जो नलों से पानी आता है वो पीला आता है। और जो आप सभी को पता है, दर्शकों को, कि सबसे ज़्यादा बीमारी पानी से होती है। तो हमारे गांव में लोग 60 साल, 50 साल और कुछ जवान लड़कों को भी कैंसर की बीमारी हो रही है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि टंकी बनवाऊँ और उसमें हर मोहल्ले में एक फ़िल्टर वाला जो पानी को फिल्टर करके शुद्ध पानी पहुँचाए ग्रामवासियों को, जिससे कि बीमारियों पर रोकथाम हो। और युवाओं, मैं युवा हूँ तो युवाओं को भी सोचूंगा। तो युवा में क्या है कि अभी क्रिकेट खेलने की कोई जगह नहीं है। गेहूं कटते हैं तो लोग खेतों में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा ग्राउंड बनवाऊँ उसकी कोशिश करूँगा, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनवाऊँ। स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, उसको स्कूल को मैं स्मार्ट स्कूल बनाऊँ। और एक मेरा पर्सनल काम है जो कि मैं गवर्नमेंट से नहीं, मैं खुद करूंगा, क्योंकि मैं अच्छा कमाता हूं, सब कुछ करता हूं। तो मुझे यहां पे कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है जो कि फ्री होगा लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी। तो ये मेरे मुद्दे हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट से ऊपर से जो स्कीमें आती हैं वो मुझे करनी है, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है कॉलोनी के लिए, और इसके लिए आती है जो इज्जत घर घर के जो आती है, वॉशरूम्स वगैरह के लिए आती है, वो मुझे पहुंचानी है गांव में। क्योंकि अभी क्या होता है कि हर प्रधान क्या होता है कि किसी से 20,000 रुपये ले रहा है तब वो उसकी कॉलोनी बनाता है, 10,000 रुपये में उसकी जो लेटरिन है वो बनती है। तो इस चीज़ को जो यहाँ पे बीच में जो है मीडिएटर, उन लोगों को हटाना है। और हमारे गाँव में एक प्रॉब्लम यह है कि लोग प्रधान तो बन जाते हैं, बट जो प्रधान का सचिव होता है ना, वो होता तो प्रधान का सचिव है, बट उसकी वैल्यू जो होती है वो प्रधान से भी बड़ी होती है। सारे प्रधान उससे पूछ के काम करते हैं, तो वो जो अधिकारी हैं गवर्नमेंट के, ब्लॉक के, वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि 10 रुपये बचाते हैं तो 5 रुपये खुद लेते हैं, 5 रुपये प्रधान खाता है। तो ये सब चीज़ों को रोकना है, इसीलिए मैं अपनी जॉब को छोड़ के गाँव में आया हूँ कि गाँव का विकास करूँ। और गाँव से लगाव है बहुत, मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों की हालत ख़राब है। लोगों को जिसका घर बना हुआ है उसको कॉलोनी मिल रही है, तो वो उसके ऊपर कॉलोनी बना रहा है, और जो गरीब है एक्चुअल में वो अभी भी गरीब है। उसको ना कुछ, ना कॉलोनी मिल रहा, ना कुछ फ़ायदा मिल रहा, ना गवर्नमेंट की स्कीम मिल रही है। अब यहाँ पे बाढ़ आती है, फसल कितनी ख़राब होती है, उसके बीमे ही नहीं हो पाते, जिसकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रखा है कि बीमा होना है हर फसल का। तो वो सब चीज़ें मुझे, जो मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, मुझे पता है, मुझे पॉलिटिक्स की बातें नहीं पता ज़्यादा क्योंकि मैं नया हूँ अभी, बट मुझे ये पता है कि गवर्नमेंट से कौन सी स्कीम आ रही है और कौन सी गांव में लगेगी। तो ये मेरा मुद्दे है जो मुझे अपील करना चाहेंगे कोई ग्रामीणों के लिए। हाथ जोड़ के मेरी सभी ग्रामवासियों से अपील है कि
कि एक बार मुझे वोट दे। मैं अभी तो ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा, बट मैं ये अपील कर सकता हूँ कि आपको 2 साल में ये एहसास हो जाएगा कि आपने किसी गलत आदमी को वोट नहीं दिया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।